हेलो दोस्तों, अगर आपको पैसों की जरूरत है, आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको टॉप 4 एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि बेस्ट लोन की कैटेगरी में आते हैं। इनसे अगर आप एक बार लोन अप्लाई करो तो 99% चांस होते हैं यहाँ पर आपको लोन मिलने के। बस आपके पास सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड है, उसके माध्यम से आप लोन लेना चाहते हो तो मैं आपको टॉप 4 एप्लीकेशन बताऊंगा जिससे कि मैंने पर्सनली लोन लिया हुआ, मुझको एक ही बार में लोन मिल गया था। सो दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना। मैं आपको जो टॉप 4 एप्लीकेशन बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा उसमें आपको क्या चार्ज रहने वाले हैं, कितना आपको लोन का अमाउंट मिल सकता है, कितने महीने की आप ईएमआई बना सकते हो, पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और उसके बाद मैं आपको यही बताऊं कि आप उसमें लोन अप्लाई कैसे करोगे और लोन मिलने का बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर पाओगे, पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान समझना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो, और इस वीडियो में आपको टॉप 4 लोन बेस्ट एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि लोन के कैटेगरी में बेस्ट एप्लीकेशन होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान समझना। सबसे पहला जो हमारी कैटेगरी में आता है वो दोस्तों ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन। ये ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन जिससे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये लोन की कैटेगरी में टॉप 1 पर आता है। अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में कहीं पर भी जांच करोगे तो पहले नंबर पर ये एप्लीकेशन आता है, ये बेस्ट लोन एप्लीकेशन है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूं। जैसे मैंने इसको ऊपर साइड स्क्रॉल कर दिया, तो अगर आप डाउनलोडिंग की बात करें तो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ये एप्लीकेशन है। इसकी 50 मिलियन प्लस की डाउनलोडिंग है, 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जो कि इसको अभी के टाइम पर डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं। लोन की कैटेगरी में सबसे ज्यादा डाउनलोडिंग वाला ये एप्लीकेशन है, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन। और अगर आप इसकी रेटिंग की बात करें तो इस एप्लीकेशन को 4.4 की एक अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है। तो अगर आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको लोन 100% मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़े ईएमआई के बाद चार्जेस वगैरह के बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने इसको ऑफिशियल आर्टिकल पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया गया है। ये देखो, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन है, इसमें सारा प्रोसेस 100% सेफ होने वाला है। आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट कोई भी टेंशन नहीं, सारा प्रोसेस आपका सेफ होने वाला है 100%। और अगर आप लोन अमाउंट की बात करें तो मेंशन किया गया मिनिमम आपको 1000 रुपये का लोन मिल जाता है, कम से कम आप 1000 का लोन ले सकते हो, और मैक्सिमम आपको 1,25,000 तक का लोन देखने को मिलता है। आप 1,25,000 तक के आप लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और आप इतने लोन को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। और अगर आप ईएमआई की बात करें तो मेंशन किया गया 12 महीने तक की आप ईएमआई बना सकते हो, आप 12 मंथ तक की आप ईएमआई बना सकते हो और हर महीने आप अपनी ईएमआई को पे कर सकते हो आसानी से। और अगर आप चार्जेस की बात करें कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ मेंशन किया गया है, जो आप लोन लोगे उस पर आपका इंटरेस्ट रेट 2.4% लगने वाला है। 2.4% का आपका चार्ज लगने वाला है, आप जितना लोन का अमाउंट लोगे उतने अमाउंट पर इतना लगने वाला है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपये का लोन लेना चाहते हो तो आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हो और आप अपने बजट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि ये एप्लीकेशन आपके लिए कैसा होने वाला है। यहाँ पे देखो साफ साफ एग्जाम्पल दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिखाया गया अगर आप 10,000 रुपये का लोन ले रहे हैं ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से, 3 महीने के लिए अगर आपने 10,000 का लोन लिया तो उस पर जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो आपका 2.4% का मंथली लगने वाला है, और जो आपकी प्रोसेसिंग फीस लगे वो आपकी 6% लगने वाली है, जीएसटी आपकी 18% लगने वाली है इसका आपके 10,000 रुपये के लोन पर। और जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी सब कुछ काट के वो आपकी बनेगी 3,492 रुपये की, आपको मंथली ईएमआई पे करनी है अगर आप 3 महीने के लिए 10,000 का लोन ले रहे हो तो। अब आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है और आपको टोटल पेमेंट करना है 11,185। अगर आप 10,000 का लोन लोगे तो आपको 11,185 पे करना है, यानी आपको 3 महीने में 1,185 रुपये का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप बात करें तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो सिर्फ आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप इसमें लोन के लिए अप्लाई करें तो आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आपको लोन नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, ये ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन, अब देखो अगर आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन बेस्ट लगा, आप इसे लोन अप्लाई करना चाहते हो तो इसके ऊपर मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इससे लोन अप्लाई करना है तो आप ट्रू बैलेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखकर आप लोन अप्लाई कर सकते हो, लोन ले सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगा सबसे पहले अप्लाई करो, उससे पहले आपको और 3 एप्लीकेशन को जान लेना, और 3 एप्लीकेशन कौन से हैं। अब बात कर लेते जो हमारी कैटेगरी में जो आता है टॉप 2 पर लोन एप्लीकेशन, वो कौन सा है। तो दोस्तों, ये ब्रांच एप्लीकेशन जो कि लोन की कैटेगरी में टॉप 2 पर आता है। ये टॉप 2 पर क्यों आता है, क्योंकि इसका देखो एक कारण है, ये एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली लोन दे देता है, आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, फिर भी यहाँ से आपको लोन मिल जाता है। सिर्फ आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करा देता है तुरंत की तुरंत, इसलिए ये एप्लीकेशन टॉप 2 पर आता है। तो अगर आपको वहाँ से लोन नहीं मिला तो आप यहाँ से भी लोन ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो मैंने इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल कर दिया, तो अगर आप इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की बात करो तो आज के टाइम पर इसकी 10 मिलियन प्लस की डाउनलोड, 10 मिलियन प्लस, यानी
एक करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जो कि इसको डाउनलोड करके अभी के टाइम पर यूज कर रहे हैं। और अगर आप रेटिंग की बात करें तो इस एप्लीकेशन को 4.5 की एक अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है। ये भी बेस्ट लोन एप्लीकेशन है। अब बात कर लेते हैं इससे आपको कितना अमाउंट मिल सकता है, कितना चार्ज लगने वाला है। तो मैंने इसके ऑफिशियल आर्टिकल पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो सारा कुछ मेंशन किया गया। देखो सबसे पहले लोन अमाउंट दिखाया गया, मिनिमम आपको 500 रुपए का लोन मिल सकता है। और अगर आप मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर देखने को मिलता है। आप 2 लाख तक के लोन के लिए आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, इतना लोन आप ले सकते हो। और अगर देखो एग्जांपल की बात करें, देखो अगर जैसे आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप इंटरेस्ट रेट लगा दिखाया गया कि आपका 2% से लेकर आपका 4% रहने वाला है। जो भी आप लोन अमाउंट लोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम आपका 2% इंटरेस्ट रहेगा, मैक्सिमम 4% रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। और अगर आप ईएमआई की बात करें तो आप 12 महीने तक की आप ईएमआई बना सकते हो। जो आप लोन लोगे उसका 12 मंथ तक की आप ईएमआई बनाकर हर मंथली पे कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। और देखो अगर आपको 20,000 रुपये का लोन लेना है तो आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हो, इंस्टेंट पर्सनल लोन एग्जाम्पल, जिससे अपने बजट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कितना आपका इंटरेस्ट लग रहा है, कितना चार्ज लग रहा है, सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि देखो अगर आप 20,000 रुपये का लोन ले रहे हो, 3 महीने के लिए आपने 20,000 का लोन लिया है, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट लगे वो आपका 2.5% का लगने वाला है, 2.5%। प्रोसेसिंग फीस आपके लगने वाले 899 रुपये, और जो आपकी GST होगी आपकी 161 रुपये लगने वाली है। टोटल आपकी जैसे EMI बनेगी, अगर आप 20,000 का लोन लोगे तो आपकी मंथली EMI बनेगी 7,170 रुपये की, 7,170 रुपये की आपकी मंथली EMI बनने वाली है। और टोटल आपको पेमेंट करना 21,510 रुपये, अगर आप 20,000 का लोन लोगे तो आपको 21,510 रुपये का पेमेंट करना है। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, ब्रांच लोन एप्लीकेशन का एग्जांपल। अगर आपको 20,000 का लेना तो आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, अपने बजट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और मिनिमम आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर इतनी एज आपकी कंप्लीटेड है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है, यहाँ से आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है। अब आप इस लोन अप्लाई कैसे करोगे, इसके ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इससे पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। अब बात कर लेते हैं लोन के थर्ड एप्लीकेशन, जो हमारी लिस्ट में टॉप 3 पर आता है, वो एप्लीकेशन कौन सा। अब तो दोस्तों ये बड्डी लोन एप्लीकेशन, जो कि लोन की कैटेगरी में हमारे पास 3rd नंबर पर आता है, टॉप 3 पर ये एप्लीकेशन आता है। अभी ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको, अगर देखो अभी तक मैंने आपको 2 एप्लीकेशन बताया, ट्रू बैलेंस और ब्रांच, अगर आपको उन दोनों से किसी का लोन नहीं मिल रहा है तो 101% गारंटी है आपको यहां से पर्सनल लोन देखने को मिल जाएगा। बड्डी एप्लीकेशन क्या करता है, आपको डायरेक्टली लोन नहीं देता है, ये सबसे पहले आपका क्राइटेरिया चेक करेगा, सिविल स्कोर चेक करेगा, उसके आधार पर ये वो कंपनी आपके सामने सजेस्ट कर देता है जहां से आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। इस तरीके से ये एप्लीकेशन अभी के टाइम पर वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी की, तो मैंने इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल कर दिया। तो अगर आप इसकी डाउनलोडिंग की बात करते हैं, देखो सेम डाउनलोडिंग है, 10 मिलियन प्लस की डाउनलोडिंग है, 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इसको अभी के टाइम पर डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं। और अगर आप रेटिंग की बात करें तो इसको 4.5 की एक अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो मैंने इसको ऑफिशियल आर्टिकल पर क्लिक कर दिया। मेरी बात को ध्यान समझना है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा लोन अमाउंट देखने को मिलता है। देखो मिनिमम आपको 5,000 रुपये का लोन मिल जाता है और मैक्सिमम आपको यहाँ से 15 लाख तक का लोन मिल जाता है। 15 लाख तक की आप लोन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, 15 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं जैसे देखो आपकी ईएमआई की बात है, ईएमआई कितने महीने की बना सकते हो, तो 5 साल तक, 5 ईयर तक की आप ईएमआई बना सकते हो और आप अपने लोन के पेमेंट को आसानी से पे कर सकते हो। अब बात करें तो आपका चार्जेस कितना लगने वाला है, तो देखो मैं आपको साफ साफ मेंशन किया गया, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो आपका चार्ज लगने वाला है वो आपका इतना लगने वाला है, स्टार्ट इंटरेस्ट रेट, इसका इंटरेस्ट रेट हाई रहने वाला है क्योंकि आपको कम सिविल स्कोर पर भी लोन दिला देता है, इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट शुरू हुआ होता है स्टार्टिंग 11.99% आपका इसका इंटरेस्ट इतना रहने वाला है, 11.99%। अब आप देख सकते हैं, और देखो अभी सारा कुछ मेंशन किया गया कि देखो ये एप्लीकेशन आपको 100% डिजिटल प्रोसेस होने वाला है, आपको ये कम सिविल स्कोर पर भी लोन दिला देता है। अब बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे मेंशन किया गया मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आपका सिविल स्कोर इतना होना चाहिए, मिनिमम आपका सिविल स्कोर 650 होना चाहिए, जो कि आसानी से सभी लोगों का होता है, कितना भी डाउन होगा फिर भी आपका इतना होगा। सो दोस्तों आप इससे भी लोन अप्लाई कर सकते हो, ये बड्डी लोन एप्लीकेशन है। अब बात कर लेते हैं जैसे देखो अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिला तो आपको इससे अप्लाई करना, 100% आपको लोन मिल जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है इसके ऊपर मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, इससे आपको 100% लोन मिल जाएगा। अब आपको देखकर वीडियो को अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं किसी कार्ड आपको यहाँ से भी अगर आपको लोन नहीं मिल रहा तो एक और एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में टॉप 4 पर आता है, वो कौन सा उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों ये एम पॉकेट एप्लीकेशन जो कि हमारी लिस्ट में टॉप 4 पर आता है। अभी टॉप 4 पर क्यों आता है, क्योंकि देखो अगर आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा तो यहाँ से आपको एक छोटे अमाउंट का लोन मिल जाता है, इससे आपको बड़ा लोन नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो 1 लाख का लोन ले लो तो आपको नहीं मिल सकता, ये छोटा लोन एप्लीकेशन, इससे मैक्सिमम आपको 45,000 तक का लोन देखने को मिलता है। अगर आपको 10-20,000 का चाहिए तो आपको आसानी से ये एप्लीकेशन लोन दे देता है। अब बात कर ले इसकी जानकारी की, तो मैंने इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल कर दिया। तो अगर आप इसकी डाउनलोडिंग की बात करें, देखो 10 मिलियन प्लस की डाउनलोडिंग है, 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है जो कि इसको अभी के टाइम पर डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं।
रेटिंग की बात करें तो इसको 4.4 की अच्छी खासी रेटिंग मिली है, तो आपको टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करें तो इसके चार्जेस वगैरह की, तो मैंने इसके आर्टिकल पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखो सारा कुछ मेंशन किया गया, आर्टिकल RBI द्वारा रजिस्टर्ड है, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की टेंशन नहीं है। और देखो मैक्सिमम अमाउंट आपको 45,000 तक का देखने को मिलता है। अगर आपको 45,000 तक का लोन चाहिए तभी यह एप्लीकेशन आपके लिए एलिजिबल होगा। 45,000 तक का ये एप्लीकेशन आपको लोन दे सकता है, तो आपको अपने हिसाब से अप्लाई करना है। और देखो अब सारा कुछ मेंशन किया गया है, अभी तक इसको इतने लोग यूज कर चुके हैं, 3.5 करोड़ लोगों ने इसको प्यार दिया हुआ इस एप्लीकेशन को। और देखो अगर बात करें जैसे अगर आप इंटरेस्ट रेट आपका मंथली कितना लगने वाला है, 0% से लेकर आपका 4% लगने वाला है, 0 से 4% का आपका इंटरेस्ट लगने वाला है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और जो आपका देखो EMI आप कितने महीने की बना सकते हो, आप EMI 1 साल तक की, आप 1 ईयर तक की आप EMI बना सकते हो, और हर मंथली आप अपने लोन के पेमेंट को रिपे कर सकते हो आसानी से। और देखो जो भी आपको लोन मिलेगा वो 10 मिनट में आपका अप्रूवल हो जाता है, अगर आपको लोन मिलेगा तो 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बहुत फास्ट तरीके से। अब आप समझ गए होंगे। तो बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, मिनिमम आपके 21 इयर्स होनी चाहिए, तो आप यहाँ से आसानी से लोन ले सकते हो, आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इससे अगर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है, तो इसके भी ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लाइव डेमो दिखाया मैंने आपको कि इससे आप पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करोगे, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आपको 45,000 के अंडर में लोन चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आपको किस एप्लीकेशन से लोन मिल जाएगा ये आप मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे आपको मिल जाए वो उस एप्लीकेशन को कमेंट कर देना। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो यार इस वीडियो को एक लाइक करना, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।